स्वागत है आपका जैकी ग्रोसरी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं या आंवले का अचार। जी हाँ दर्शकों, आंवले का अचार बढ़िया से बढ़िया आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आंवले हैं हमने रखे हुए हैं, ये आंवले आपके कच्चे नहीं है, इसको हमने उबाला हुआ है। आइए जानते हैं कि उबाल के आंवले का अचार कैसे बना सकते हैं। ये गुठले निकालो, ये मैं साफ कर, ये मैंने पहले साफ करके धोए, धोने के बाद मैंने भाप लगाया, ज़्यादा गलाना नहीं है, ये भाप लगाया, उसके बाद इसके गुठले निकाल के अलग कर रही हूँ मैं, इसके अचार की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दर्शकों, जब भी आप आंवले का अचार बनाएं, ये हम पहला तरीका बता रहे हैं। आंवले को आप अच्छे से भाप में थोड़ा गर्म कर लेंगे। भाप में लगाने का मतलब है कि थोड़ा पानी में आप गर्म करके इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, इस तरह बीज को अलग कर लेंगे और आंवले को अलग कर लेंगे। और आंवले अलग अलग होना चाहिए, ये देखो, और काला दाग नहीं लगना चाहिए, काला दाग वाला निकाल के फेंक देना चाहिए, ये देखो, ये पीस हो जाए अलग अलग। देखिए दर्शकों, आंवले के हम अलग अलग पीस निकाल लेंगे और बीज को अलग निकाल लेंगे। जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पे बीजों को हमने अलग से निकाल लिया, ये देखिए बीजों को हमने अलग से निकाल लिया। ठीक है, बीज अलग से निकालने के बाद आंवले के पीस अलग निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं आंवले के पीस अलग रख रहे हैं और बीजों को अलग रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके आंवले जो है उबाल के भाप लगा के रखे हैं। अब इसको कल धूप में सुखाया जाएगा, फिर इनमें मसाला और तेल गर्म करके ठंडा करके फिर इसको शीशी में रखा जाएगा, काला नमक तो यहाँ पे देखिए दर्शकों, हमने जो आंवले जो उबाले थे उसके हम बीज आंवले को अलग रख लेंगे, आंवले के पीस निकाल के हम अलग से रख लेंगे। फिर हम इसको धूप में सुखाएंगे दूसरे दिन। ठीक है, अगर आप सुबह इसको पीस निकाल के उबाल के रखते हैं तो आप उसी दिन आप इसे धूप में सुखा सकते हैं। हाँ, सब जिसमें मतलब इसको भाप लगाया, ठंडा करने के बाद इसको निकालो, गुठेला अलग कर दो, इसको धूप में रख दो, फिर मसाला मिर्च और तेल गर्म करके ठंडा करो, बढ़िया सा सरसों का तेल चाहिए इसमें, और इसमें डाल के नमक मिला के, काला नमक, सादा नमक, मिर्च सब करके मसाला थोड़ा हल्का रख दो, इसको धूप में फर्स्ट क्लास बढ़िया सा हो जाता है। तो अब हम इसको अगले दिन आपको बताएंगे कि हम इसको जब हम सुखाने रखेंगे तो कैसे रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ देखिए दर्शकों, जो आंवले कल हमने उबाले थे और जिनको हमने कल उबाल के अलग अलग पीसेस निकाले थे, आज हमने उसमें हल्दी और नमक मिला के यहाँ पे धूप में सुखाने रखे हैं। मैंने हल्दी लगा के यहाँ पर नमक लगाया, नमक और हल्दी जो है कि ना पानी को सोख देता है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे आपके सामने अभी हमने दिन में आपको बताया आंवले जो है सुखा लिए थे हमने। ये देखिए दर्शकों, आंवले हमने कल रात को हमने उबाले, उसके बाद पीसेस निकाले और मॉर्निंग में हमने उसमें हल्दी लगा के अच्छे से सुखा लिए थे। आपको दिखाया भी था, छत में रखे हुए थे जब। तो आइए आज आप फिर से इसके बाद की विधि हम आपको बताते हैं। ये है, मैंने जीरा ले रखा है, एक चम्मच जीरा है, ये भून रही हुई इसको हल्का सा। तो ये देखिए दर्शकों, जो जीरा था, थोड़ा सा जीरा लिया हमने, ये मान के चलिए आपको कम से कम 25 या आपका 35 ग्राम आपने जीरा लिया। उसके बाद हम इसको एक ही कढ़ाई में भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे, ध्यान से देखिए। ये भून गया है, मैं इतना सौंफ भून रही हूँ, ये एक डेढ़ मुट्ठी सौंफ है। तो यहाँ देखिए दर्शकों, सबसे पहले हमने जीरा भुना अच्छे से। अब हम इसमें यहाँ पे 75 ग्राम आपकी सौंफ लेंगे, सौंफ को हम अच्छे से इसमें भून लेंगे जैसे हमने जीरा भुना था। ठीक है, तो आपके सामने पूरी विधि बताई जा रही है, अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे आपको सारी विधि अच्छे से बताई जाती है जिससे दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो और सारी रेसिपी जो भी बनाएं वो अच्छे से बनाएं, बिना गलती के बनाएं। और यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी सिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम आपको यहाँ पे एक एक स्टेप अच्छे से बताते हैं, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए। हम ऐसी विधि आपको पूरी YouTube चैनल में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए और जितनी रेसिपी आप देख रहे हैं उनको शेयर भी करिए। ठीक है, तभी आपको ही मिलेगा इसका फ़ायदा, और बाकी जो आपके अपने परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं उनको भी मिलेगा। देखिए, हमने सौंफ अच्छे से भून ली है, बिल्कुल घरेलू तरीके से आपको यहाँ पे
उबले हुए आंवले का अचार बनाना सिखाया जा रहा है। उसको जरा ज्यादा गलाना भी नहीं चाहिए, भाप लगा लिया जिससे खोलना शुरू हो जाता पानी, फटाफट निकाल लिया कि पानी निकाल के आंवले उतार के अलग से रख दिया। शाम को धो धा के रख के पानी को भाप लगा के उबाल के रख दी, फिर तोड़ तार के गुठे ले निकाल के ये मैंने सौंप भून दी। ये देखिए हमने सौंप को अच्छे से भून के अलग प्लेट में निकाल लिया। इसको दरदरा बनाएंगे सौंप। और ये मैंने कलौंजी इतनी छोटी कलौंजी, ये देखिए काली कलौंजी जो होती है उसको भी हमने अच्छे से गर्म करके इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे खाली हल्का खाली वाली कलौंजी जो होती है ये अचार में हर अचार में पड़ती है। तो देखिए काली कलौंजी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। या उसमें फॉस्फोरस होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये भी भूल गया हमने, ये देखिए हमने इसको भूल के निकाल लिया। इसका अचार, इसको अचार में डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बिना तो मान के चलिए आपका अचार पूरा होगा ही नहीं, चाहे आम का होगा आप लेकर आगे का अचार हो। बाजार का मसाला लेना ही नहीं चाहिए, बाजार में खाली एक नमक और हल्दी मिला देते हैं। तो देखिए दर्शकों, बाजार के मसाले बिल्कुल नहीं लेंगे जैसा आपको बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी मेथी दाना, एक चम्मच मेथी है, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए कम से कम 10 ग्राम आपने मेथी दाना यहाँ पे लिया है, इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। जैसा आपको दिख रहा है लोहे की कढ़ाई ली गई है, लोहे की कढ़ाई में हमने यहाँ पे मेथी दाना रखा हुआ है, इसको अच्छे से कपड़े से हम घुमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे, जैसे ही ब्राउन होगा वैसे हम इसको अलग से निकाल लेंगे। आपको बिल्कुल घरेलू तरीके से आपको बताया जा रहा है कि उबले हुए आंवलों का अचार कैसे हम बना सकते हैं बड़े से बढ़िया तरीके से। ये जीरा जो है बारीक करके पिसा जाएगा मसालों में जो है ये, और ये भी दरदरा होगा मेथी, और ये भी दरदरा होगा सौंफ, और ये कलौंजी जो है वैसे ही डाला जाएगी। तो देखिए दर्शकों, जैसा आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो ये जीरा होगा और मेथी होगी और ये सौंफ जो होगी जो हमने भून के भी आपके सामने निकाली है, इसको हम अच्छे से सिल में दरदरा कर लेंगे। पीसना नहीं है, दरदरा करना है। दरदरा और पीसने बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका मेथी दाना भी हम भूनने वाला है, इन सबको हम यहाँ पे आपके सामने सिल में दरदरा कर लेंगे। आधे चम्मच हमें अजवाइन में पड़ेगा, आधे चम्मच अजवाइन पड़ेगा, उसको भून के अजवाइन वैसे ही डाला जाएगा सामग्री। तो देखिए अजवाइन भी इसमें पड़ेगा, लेकिन अजवाइन आपका साबुत पड़ता है, ठीक है। अच्छे अच्छे से देख लीजिए, फिर ये मत कहना कि सही से बताया नहीं था। तो यहाँ देखिए आपका मेथी दाना हमने अच्छे से भून के निकाल लिया है, और यहाँ पे आपका अजवाइन है। अब अजवाइन भून लेते हैं, ठीक है। अजवाइन भी भून के निकाल लेंगे, लेकिन इसको पीसना है, दरदरा नहीं करना है, इसको खाली वैसे साबुत ही डालना है। हाँ, मेथी दाना और अजवाइन जो होगा साबुत ही भून के निकाल के हम अचार में डालेंगे। अजवाइन के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों का निवारक होते हैं, रोग निवारक कहते हैं इसको। हाँ, हर बाजार में पड़ता है, आम बाजार में, गोभी बाजार, गाजर में, सब कुछ में पड़ता है, ठीक है। और पराठों में अगर डाल दो तो मज़ा ही मज़ा। अगर आपने आलू के पराठे बनाए हैं, हमने बता रखा है, तो उसको अच्छे देखिए आटे में अजवाइन डाल के बहुत बढ़िया और अच्छे जायकेदार पराठे बनाए जाते हैं। हर काम करता है जीरा पीसनी तो यहाँ पे जीरा पीसना शुरू होता है, बारीक का पीसना पड़ता है, इसको पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा करना है। ये जीरा बारीक पीसना है और मेथी सौंफ दरदरा करना है। जीरे को हम फिलहाल पाउडर फाउंड कर लेंगे और मेथी दाना और सौंफ को दरदरा करेंगे। अच्छे से देखिए कैसे बनाएंगे, आपको 3-3-4-4 बार अच्छे से समझा दिया है, जिससे कि आपसे गलती ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बनाया, बारीक हो गया, ये देखो ये पाउडर हो गया, ये बिल्कुल पाउडर हमने यहाँ पे आपका जो जीरा था उसको पाउडर कर लिया। पहले भूना फिर पाउडर कर लिया। जितना नए गजार है उतना नए मना मसाला डाल लगा, थोड़ा सा था ऐसे मैंने यहाँ पे देखिए सॉस आपको हम दरदरा कर लेंगे, ये दरदरा बना दीजिए। देखो आपके सामने तो यहाँ पे देखिए सौंप को हमने दरदरा करके अलग से प्लेट में निकाल लिया। ये दरदरा बना रखा, दो दो टुकड़े, ये देखो बढ़िया सा, बारीक नहीं करना है इसको। ये मसाला बन गया।
तो यहाँ पे देखिए दर्शकों, अब हमने मेथी दाना ले लिया, इसको भी हम दरदरा कर लेंगे। मेथी दाना भी दरदरा हो चुका है, ये देखिए मेथी दाना भी दरदरा कर हमने अलग से निकाल लिया। जीरे को हमने पाउडर किया भूनने के बाद, और मेथी दाना और सौंफ को हमने दरदरा कर रखा है, बिल्कुल दरदरा बना रखा है। देखो तो यहाँ देखिए दर्शकों, हम शुरुआत कर रहे हैं बाएं से दाएं देखना, ठीक है। अब जो जहाँ से देख रहे हैं बाएं से दाएं, बाएं साइड यहाँ पर रखा हुआ है सौंफ, अच्छे से देखिए। ये सौंफ हमने दरदरी कर रखी है, ये हमने मेथी दाना दरदरा कर रखा है, मेथी दाना देख लीजिए। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो जीरा है इसको पाउडर कर रखा है, क्या कर रखा है पाउडर। और ये साबुत आपका अजवाइन है और साबुत आपका कलौंदी है, ठीक है। इसको हम मंगवेल के बीज भी कहते हैं, इसको हमने भून के अलग से निकाला था। तो अब हम इन मसालों को कैसे डालेंगे, कैसे क्या करना है, आपको अच्छे से दिखाएंगे। वीडियो की लेंथ भले ही जीरो मतलब बड़ी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सी जानकारी अच्छे से सीखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आपके साथ कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं किया जाएगा, पूरा स्टेप आपको दिखाया जाएगा। इसलिए वीडियो की लेंथ मत जाइए, आपको सीखना है तो अच्छे से सीखिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए दर्शकों, अब आगे की विधि हम पूरी करते हैं। ये आपका आंवला है जिसको हमने हल्दी लगा के सुखा लिया था उबालने के बाद। ये आपका सौंफ है, ठीक है, जिसको हमने भूनने के बाद दरदरा कर लिया। ये है मेथी दाना जिसको दरदरा कर लिया भूनने के बाद। और ये है आपका जीरा जिसको भूनने के बाद अच्छे से पाउडर कर लिया है, वो भी सिलबट्टे में, ठीक है। ये आपका अगर आप सिलबट्टे में करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ में करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं पीसते वक्त या दरदरा करते वक्त, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर आप मिक्सर में करेंगे तो यहाँ तो पाउडर ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। मिक्सर में उतना टेस्ट भी नहीं आता जितना आपका इसमें आता है। और ये आपका कलौंदी है और आपका अजवाइन है जिसको हम भून के अलग से निकाल लेते हैं। ये कॉलोजी और ये अजवाइन जो है साबुत पड़ेगा, ये हल्का भून गया ये साबुत पड़ेगा। और आप जितना लाए मसाला था हमने उतना लाएगी पीस रखा, जितना लाए जो अचार था ये आधा किलो आंवला था ना, ये आधा किलो आंवला में सूखे इतना हो रहा है बढ़िया। और इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार। यहाँ देखिए दर्शकों, अब हम आपके सामने चाट बनाने की विधि पूरी करेंगे। और इसमें नमक डालना जा रही मैं, यहाँ हमने सौंफ में नमक मिलाएंगे। शुरुआत में हम नमक कम भी डाल सकते हैं, बाद में अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जो इंसान हर एक अपने स्वाद के अनुसार ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है, इसलिए इसमें आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप शुरुआत में कम रखें, बाद में ज़्यादा रखें। ये ऐसा है, इसमें ऐसा है कि नमक जो है अचार को ख़राब नहीं करता है। नमक डाल दो जितना तुम्हारी मर्जी है, ज़्यादा भी नहीं डालते क्योंकि मिर्चे है जो, ये मिर्चे डाल दी आधी चम्मच। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे हमने एक चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, घर की कुटी हुई है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर से कुटी हुई मिर्ची की तो कहने ही है। ये क्योंकि ऐसा है अचार नमक को ख़राब नहीं करता है, नमक अचार को ख़राब नहीं करता है, ज़्यादा ही पड़ जाता है उसमें घबराने की बात नहीं है। ये मैंने मिर्च डाल दी आधी चम्मच। देखिए यहाँ पे लाल मिर्च कुटी डाल दी है। और इसमें मैं मेथी दाना डाल दे रही हूँ मिक्सर करने के लिए। ये मेथी दाना डाल दिया, ये मेथी दाना दे देगी जो कि दरदरा गया हुआ है। अब मैं इसमें जीरे का पाउडर डाल दे रही हूँ। हमने जीरे का पाउडर डाल दिया, यहाँ पे मिक्सर कर दे रही हूँ सब मसाला। और ये जो है कि साबुत कलौंजी और साबुत अजवाइन थोड़ा सा मैंने एक चम्मच के बराबर हल्का भून के इसको भी डाल दे रही हूँ। ये साबुत अजवाइन और साबुत में क्या कहते हैं कलौंजी है, मिला देंगे इसमें। ये डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर। देखिए दर्शकों, अभी हमने जो मसाला कूटा था और अच्छे से हमने मिलाया था आपके सामने, अब हम यहाँ पे एक सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों का तेल कितना लेंगे? ये सरसों का तेल मैंने आधा कटोरा मसाला मिलाने के लिए ले रखा है मैंने, क्योंकि गर्म करके ठंडा कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल ले लेंगे हम एक कटोरी में गर्म कर, पहले हमने गर्म किया है फिर ठंडा किया है, ठीक है। और इसमें आपका क्या लेने जा रहे हैं? अब मैं एक चम्मच हल्दी डाली, दो चम्मच। जी देखिए, दो चम्मच हल्दी डाल दी हमने, जो हमने मसाला बनाया था जिसमें आपको पता है मेथी दाना भी है और जीरा भी है, जीरा का पाउडर है और लाल मिर्ची भी डाल दी। लाल मिर्ची आपके सामने मिलाई, तो अब आपके यहाँ पे हम पूरी विधि आपको बताने जा रहे हैं। अब मैं जो इसमें मिलाती हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ मिक्सचर सब इसमें डाल दिया। तो देखिए जो मसालों का मिश्रण था, अब हम इसमें आंवले में जो हमने पीस कर रखे थे उबाल के सुखा रखे थे उसमें हम मिला देंगे।
अभी तेल ठंडा कर दिया, आधा कटोरा तेल ये देखो डाल दिया। ये देखिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया, अब हम इसको मिला लेंगे। सरसों का तेल आपको शुरू में कम रखना है क्योंकि हमें केवल मिश्रण को मिला लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं पड़ता, हल्का हल्का ही पड़ता है। देखो मसाला छान के भी डाल सकते हो, खाना सरवा करो, साल भर तक खराब नहीं हुआ आचार। ये देखो तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अच्छे से अच्छा चावल मिल रहा है तो अच्छे से अच्छा चावल मन भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपका इसकी रेसिपी की वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को इतनी सुगंध आ रही है आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा चावल की नॉलेज जो आपको पूरा कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, और घर की बनी हुई की पहचान ही अलग होती है, उसका स्वाद भी अलग होता है, उसकी सुगंध भी अलग होती है, उसका टेस्ट भी अलग होती है। और हेल्थ का तो कहने की, अगर आप घर की बनी चीज़ें आएंगे तो हेल्थ आपकी पिट आएगी। ये देखो आप बढ़िया सा खुशबू आ रही मसालों की भुनी हुई, ये देखो इसमें डाल दे रही हूँ, सुगंधित और बढ़िया चाय बनने वाला है। हाँ इसमें डाल दे रही हूँ। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे आपका हमने मसाले से मिलाने के बाद अच्छे से, अब इसको हम किस तरह हम सीसी या बोतल में डालेंगे तो अच्छे देख लीजिए। मैं तो ये सोन ब्रांड के डिब्बे में डाल लिया अभी। तो यहाँ पे देखिए आपका, इसको हम यहाँ पे एक दिन प्लास्टिक के डिब्बे में डाल लेंगे, आप लोहे के डिब्बे में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मसाला बनाने के बाद हम यहाँ पे डिब्बे में डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है। प्लास्टिक के भी डाल सकते हो, कांच के भी डाल सकते हो, और इसमें जो है धूम रखने समय ढक्कन में कपड़ा लगा लिया, यहाँ कागज़ लगा लो या तो कपड़ा लगा लो। आप दर्शकों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहेंगे, आप कांच के उसमें डालिए, प्लास्टिक के उसमें डालिए, और चीनी मिट्टी के बर्तन में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन में मत डालना इसको। ठीक है, क्योंकि खट्टी चीज़ अगर आप स्टील बर्तन में काफ़ी देर तक रखते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। हाँ तो अभी मशीन रख के मैंने खाली डाल दिया इसमें, मैं ज़्यादा देर तक रखती नहीं उसमें। तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्लेट तो लिया, लेकिन तुरंत बना के डाल दिया है, लेकिन लंबे समय तक खट्टी चीज़ें आप इसलिए बर्तन में रखें। ढक्कन में कपड़ा और कागज़, ढक्कन लग जाओ धूम में रखोगे तो इसका ढक्कन जो लगा होगा उसमें या कपड़ा या कागज़ लगा लेंगे, क्योंकि सकुर के जो पानी है अंदर चले जाएगा। ठीक है दर्शकों, जब भी आप इसे धूप में आप इसे सुखाने रखेंगे तो ढक्कन जो होगा प्लास्टिक का उसमें आप कपड़ा लगा लेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कैसे लगाते हैं। बचा हुआ तेल इसमें हम डाल देंगे, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जब इसे ढकेंगे तो कैसे कपड़ा लगा के ढक्कन से ढका जाएगा। चलिए देखते हैं। एक साल पहले कुछ नहीं हुआ, एक साल खाओ, दो साल। यहाँ पे आने का चाय बना के रख दिया, और इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन में कपड़ा लगा के रखेंगे आपके सामने, और इसको धूप में रखना है। ठीक है, घर के अंदर नहीं रखना है, पहले धूप के अंदर रखना है। ठीक है, धूप में सुखा दिया कपड़ा, इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो इसके ऑपरेशन होगा, जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगी वो आपके अचार में नहीं पड़ेंगी, वो आपके कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अचार कोई तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ये कागज़ लगा दिया, ये देखो ये कागज़ भी लगा सकते हो, ऐसे ही कपड़ा भी लगा सकते हो। जैसे लाल मैंने कागज़ लगाया है, आप चाहे तो इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये लगा दिया मैंने कागज़, इसमें ऐसे ही तुम कपड़ा भी लगा सकते हो। ये जो है इसको हम अच्छे से पैक करके रख देंगे। ठीक है, एयर टाइट पैकिंग करनी है। इस तरह की हेल्दी रेसिपी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए जैकी की रसोई में, और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। ये आपका था आपके सामने उबले आमलों का अचार, और खुद भी खाएं, बनाएं और बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पहले बनाना है फिर बताना है, ठीक है। और अच्छी से अच्छी रेसिपी की जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और अपने सारे रिश्तेदारों को जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको शेयर करें, क्योंकि केयर से ही दूसरों की केयर की जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो वही अच्छी चीज़ें आपको वापस दोबारा मिलती हैं। और सभी रिश्तेदारों को बताएं, सभी फ्रेंड्स को बताएं, सारे जितने भी रिलेटिव लोग भी होंगे सबको शेयर करें। फिर भी हेल्थी रेसिपी जानने के लिए जुड़े रहेंगे जैकी की रसोई में। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ जैकी की रसोई। नमस्कार।